भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ओडिशा हादसे पर शोक व्यक्त किया है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा के बालासोर जिले में एक गंभीर रेल दुर्घटना होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मौत हो गई है। इस दुर्घटना के कारण से पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सभी लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन्हें 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता से लेकर उनके परिवारजनों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। ऐसे दुख की घटना में भाजपा के देश के सभी कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर निरस्त कर दिए गए हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के भी इतने सारे कार्यक्रम होने वाले थे, केंद्र सरकार के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उन सभी कार्यक्रमों को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रद्द किया गया है। मैं मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से उन सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आज लोग हमारे बीच से चले गए, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, भगवान से प्रार्थना है। जो लोग आज इस दुर्घटना में प्रभावित हुए हैं उन सबको मैं श्रद्धा सुमन के अर्पित करता हूँ। क्या कारण है? उड़ीसा के बालेश्वर जिले में एक गंभीर रेल दुर्घटना होने के कारण बड़ी संख्या में लगभग 238 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इस दुर्घटना के कारण से पूरा देश स्तब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सभी लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनको 12 लाख रुपए आर्थिक सहायता से देकर के उन परिवारजनों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। ऐसे दुख की घटना में भारतीय जनता पार्टी के देश के सभी कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर निरस्त किए गए हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के भी जितने सारे कार्यक्रम होने वाले थे केंद्र सरकार के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उन सारे कार्यक्रमों को आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रद्द किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उन सभी बंधुओं को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ जो इतना बड़ा दुख, इतने बड़े संख्या में लोग आज हमारे बीच से चले गए, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसी घटना दुर्घटनाएं न हो, भगवान से प्रार्थना है। और जो लोग आज इस दुर्घटना में प्रभावित हुए हैं उन सबको मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ।